पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के कल आए नतीजे के बाद पूरे देश में कांग्रेस का डंका बज रहा है, लेकिन इसे लेकर हालात कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। यहां राजद ने साफ कह दिया है कि भले ही तीन राज्यों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, लेकिन बिहार में राजद ही बड़ा भाई है। राजद नेता भाई बीरेंद्र ने कहा कि राजद पर कांग्रेस हावी नहीं हो सकती, हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई से कोई बोल नहीं सकता। भाई बीरेंद्र के इस दावे पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें तो जनादेश ने साबित किया बड़ा भाई, तो फिर बिहार के कांग्रेस छोटा भाई कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही 2019 में सरकार बननी तय हुई है, आने वाला चुनाव विधानसभा का नहीं लोकसभा का है, और ऐसे में छोटा बड़ा भाई की बात करना हास्यास्पद है। इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में यूपीए की बैठक के दौरान न सिर्फ क्षेत्रीय दलों की खुलकर मुखालफत की थी, बल्कि बिहार में महागठबंधन की स्टीयरिंग थामने पर भी ताल ठोक दिया था। राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों की बैठक में तेजस्वी यादव ने क्षत्रिय दलों को भी महत्व देने की बात कही थी और कहा था कि जिन राज्यों में महागठबंधन को मजबूत दल का जनाधार है, उन्हें ही निर्णय लेने का अधिकार मिले और उन्हें ही ड्राइविंग सीट पर बिठाया जाना चाहिए। वहीं राजद कांग्रेस के बड़े छोटे भाई को लेकर तकरार के बीच जदयू नेता खुर्शीद अहमद ने कहा कि राजद और कांग्रेस से ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला रहा है और कहीं कोई कांग्रेस और राहुल गांधी की लहर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का फॉर्मूला चलता है, नीतीश ने बिहार के विकास की नई गाथा लिखी थी, जनता उनके सभी काम जानती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।